हवा महल कहाँ स्थित है? ए उदयपुर में, बी जैसलमेर में, सी चित्तौड़गढ़ में, डी जयपुर में। हम सब जानते हैं जयपुर में। हाथी गुम्फा खटी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में, डी उड़ीसा में। यह उड़ीसा में है। बुलंद दरवाजा ब्यूलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी फतेहपुर सीकरी में, सी मेरठ में, डी लखनऊ में। उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। बीबी का मकबरा कहाँ है? ए आगरा, बी अजमेर, सी दिल्ली, डी औरंगाबाद। उत्तर है औरंगाबाद। भीमबेटका गुफा भीमबेटका केव किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश में, बी झारखंड में, सी बिहार में, डी उड़ीसा में। उत्तर है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? ए सीरियस, बी बुध, सी शनि, डी मंगल। उत्तर है सीरियस। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार होता है? ए वन, बी वन हाफ, सी शून्य, डी टू। जवाब है शून्य। आप ऐसे याद रखें कि जब लिफ्ट नीचे को आती है तब उसमें किसी मनुष्य का भार जीरो हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहां स्थित है? ए कॉबेट, बी भद्र, सी कान्हा, डी श्रीनगर। उत्तर है श्रीनगर। स्ट्रेट फ्रॉम द हट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ए वी वी एस लक्ष्मण, बी युवराज सिंह, सी कपिल देव, डी सचिन तेंदुलकर। उत्तर है कपिल देव। विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक है? ए अरुंधति रॉय, बी जे के रावल, सी तस्लीमा नसरीन, डी सलमान रुश्दी। उत्तर है जे के रावल। फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी अकबर। उत्तर है अकबर। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी सिक्किम। उत्तर है सिक्किम। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी अली वर्दी खान, डी मीर कासिम। उत्तर है मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का कमांडर था और उससे गद्दारी कली क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? ए चना, बी कपास, सी मटर, डी गेहूं। उत्तर है कपास। हम थोड़ा और खरीफ फसलों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। खरीफ फसलों को मानसूनी फसलों के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि मानसून के मौसम में इनकी खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। याद रखें, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोरगम, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि सभी खरीफ की फसलें हैं। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। बात जब फसलों की आई है तो हम आपको जायद और रबी फसलों के बारे में भी कुछ बताते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जायद ऋतु, ये खरीफ और रबी मौसम के बीच का एक छोटा मौसम है। इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसलों के रूप में जाना जाता है। कद्दू, ककड़ी, तरबूज, करेला आदि सभी जायद की फसलें हैं।
रबी ऋतु, ये वे फसलें हैं जो मानसून के मौसम के अंत में या सर्दियों के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। इन फसलों को सर्दियों की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। गेहूं, सरसों, मटर, दलहन, जौ आदि सभी रबी प्रकार की फसलें हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।